मैं फौजिया हारून हूँ। मेरी दो बेटियाँ हैं। मियाँ मेरे पहले फौत हो चुके थे, जो कि मिनोरिटी मिनिस्टर थे, मर्डर हुए थे, और एक बैंकर था और एक पुलिस वाला था जिसने मर्डर किया था। और मेरी एक बेटी की शादी बड़ी वाली की, जो अनुपा है, वो तो इंग्लैंड में हुई है। छोटी की मैंने यहाँ पे पाकिस्तान में की थी। और ये अभी रिसेंटली 1 साल का हुआ है, अरसा हुआ है कि उसकी शादी की। और शादी के फौरन बाद छोटी बेटी अपने खावन के कहने पे सुलेमान सैम्यूल अजीज़ मेरे साथ झगड़ा करने लग पड़ी। और इसका मियाँ बहुत लालची किस्म का शख्स निकला, तो मैं बड़ी हेल्पलेस थी। मगर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने मुझे अकेला समझ के, इन्होंने इलियास गुजर के बेटे के साथ, आमिर अली है वो, गुजर उसको अपने साथ मिला लिया। वो लैंड माफिया के साथ है, लैंड ग्रैबर्स के साथ है। आता था जो कहता था कि हम अपनी मार्केशन करने लगे हैं। मैंने फिर 15 पे कॉल की तो मुझे वो हुआ। उसके बाद मैं लीगल बैटल इनके साथ फाइट कर रही थी। लीगल बैटल फाइट करने के बावजूद दे हैव बीन हिटिंग मी, और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया। बहुत आई हैव अ बोल्ड रिकॉर्ड कि मैं 15 पे कॉल करती, ऑनलाइन मैंने रिपोर्ट्स की, मगर बट टू नो अवेल। पुलिस आती ही नहीं है, फ़ोन करो तो वो करते ही नहीं है, और ऑनलाइन भेज देते हैं कि जी आपका मसला सॉल्व हो गया। संडे को मैं घर पे अकेली थी, और सुबह से ये आए और इन्होंने ऊंची ऊंची गालियां देने शुरू हुई। और इसने स्टे लिया हुआ है ऊपर वाले पोर्शन का, तो उसके बाद मैंने अपने मुलाजमों को भी अंदर बुला लिया। मैं खुद भी साथ बैठी हुई थी। और ये जो आमिर गुजर है, ही केम एंड देन ही स्टार्टेड थ्रेटनिंग कि अब तुम जिस मर्जी को बुला लो, पुलिस को बुला लो, इस तरह बुला लो। उन्होंने मुझे थ्रेटन किया कि बुला लो, 15 को कॉल कर लो, तुमने जिसको बुलाना है बुला लो। देयर आर फ्यू अक्वेंटेंसेस जिनको मैं जानती हूँ और पुलिस में उनके नाम लिए। और पहले दरवाज़ा पीटा इन्होंने मेरा, मेन डोर, मैंने वो नहीं खोला। उसके बाद जब मैंने नहीं खोला तो जो ऊपर स्टे से ये ताला तोड़ के आए, पहले मेरी बेटी आई, फिर पहले सुलेमान ने मुझे बाहर मार लिया। कैमराज के मुंह सारे इन्होंने नीचे कर लिए, कुछ इन्होंने ब्रेक करके फेंक दिए। फिर ये तीनों वहाँ स्टेयरकेस से आए और पहले मेरी बेटी ने मेरे बाल खींची, और उसके बाद मुझे पुश कर दिया इसके आमिर अली के, जो गुजर है, रियाज गुजर का वो है। इनका रिकॉर्ड तो पहले ही है, वो कई दफ़ा इनका ऑन रिकॉर्ड भी है कि ये इस तरह के। और देन उसने मुझे इतनी ज़ोर से पटाखा दैट माई आर्म पॉट हुआ, मेरे ये जो बाजू की हड्डी है ये टूट गई। उसके बाद मैं क्रॉल करती हुई आगे चली गई तो थ्रेटनिंग कहा कि तुमने अगर ये हमारे नाम ना किया तो देन इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे होंगे, आर जस्ट गोइंग टू फिनिश। और मेरे मुलाजमों को कहते हैं कि तुमने कोई विटनेस नहीं देनी, 10-10 लाख तुम्हें मिलेंगे, आपने कोई विटनेस नहीं देनी। इससे पहले ये मेरा जेवर छीन के ले गया, जो मेरा फैमिली इनहेरिटेंस वो था। और शादी के फौरन बाद दे स्नैच्ड माय कार, होंडा सिविक कार। और मैं बहुत दफ़ा पुलिस के पास गई, बट वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। पुलिस जराये से जब हमारी बात हुई तो पुलिस जराये का इस मामले पे ये कहना है कि अभी जो इन्वेस्टिगेशन जो जारी है, लेकिन इस तमाम तर जो दावे हैं, जो हिना का दावा है कि वो प्रॉपर्टी का हिस्सा उनसे डिमांड करती है, लेकिन जो फौजिया हारून हैं वो इनकार ही हैं इस मामले पे कि वो उन्होंने हिस्सा नहीं देना और वो उन्होंने यहाँ पर अब तीसरी शादी करने जा रही हैं। ये हिना का वर्जन जो सामने आया है, लेकिन दूसरी अंदर से हकायक जिस तरह से ये भी सामने आए हैं कि जो फौजिया हारून हैं इसके नाम पर दो आईडी कार्ड हैं। उसने जो दो आईडी कार्ड पे मुख्तलिफ जो प्रॉपर्टीज आदि एक आईडी कार्ड पे नाम ट्रांसफर कराई थी और आदि दूसरे आईडी कार्ड पे नाम पर ट्रांसफर कराई, तो इसकी वजह ये थी कि जो उसका जो पहले वाला शोहर था उसका वो भी आईडी कार्ड उसने यूज़ किया और जो दूसरा शोहर है उसका भी आईडी कार्ड यूज़ किया, और फिर ये प्रॉपर्टी है ये उसकी, ताकि डिविजन हो जाए, ताकि जो अपनी बेटी के नाम पर, हिना के नाम पर जो प्रॉपर्टी जाए वो कम से कम
मार्जिन में जाए। इस लिहाज से अभी जो पुलिस ने इस तमाम तर वाक़े का मुकदमा भी दर्ज कर लिया है और अभी तक जो गिरफ्तारियां अमल में है जिसमें इस तमाम तर मामले के अंदर 6 अफराद को नामजद किया गया है फौजिया हारून की जानब से। और अभी तक जो मेन करेक्टर है जो तशद्दुद कर रहा है इलियास एमपी इलियास गुजर का जो बेटा है आमिर गुजर, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। सिर्फ ये क्लियर कर दीजिएगा कि तशद्दुद क्या हिना की जानब से करवाया गया है, चाहे उसने खुद कह के किसी से करवाया हो, फौजिया हारून पर तशद्दुद हुआ है, सहाफ़ी ज़राए क्या कहते हैं? हाँ जी बिल्कुल, उसमें तो वाज़े तौर पर जो फोटेज भी हमारी जो आई है और जो हमारे ज़राए से भी पता चला है कि इन्होंने 12 कोशिश की है कि घर पे कब्जा किया जाए और जो घर के साथ जो प्लॉट है उसकी जी बिल्कुल उसमें। और जो एमपीए का बेटा मुलविस रहा है वो साथ साथ वकालत भी करता है और वहाँ पे जो इलाके के कब्जे माफिया के साथ भी उसके ताल्लुकात काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये तो कोशिश की गई है, इसमें कोई शक नहीं है कि जायदाद के लालच ने माँ की जो इज्जत को पामाल किया गया है, तकद्दुस पामाल किया गया। एक बार फिर औलाद सफाक बन गई, जलाद बन गई सिर्फ चंद प्रॉपर्टी के उन टकों की खातिर। मामले की असल हकायक और इसके पीछे चलने वाली कठपुतलियाँ कौन है, आइए आपको दिखाऊं। इस वक्त हमारा इस तरह रिकॉर्डिंग करने का क्या मकसद है ये आगे चल के मैं प्रोग्राम में आपको बताऊँगी। फौजिया हारून की बेटी है ना और दामाद हमारे साथ मौजूद हैं, फुटेज चुके हर किसी की आंख से गुजर चुकी है। मामला क्या था जो कुछ दिख रहा है वो इस कदर संगीन था कि शायद हर किसी ने कहा कि माँ का तकद्दुस, मैं भी यही कहूँगी कि माँ का तकद्दुस अव्वलीन तरजीह है। हिना हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का आगाज़ हिना से ही करेंगे। हिना, फौजिया आपकी रियल मदर हैं? हाँ जी, वो मेरी रियल मदर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, आप कितने बहन भाई हैं? दो बहनें हैं बस। दो बहनें हैं जी। आप दोनों मैरिड हैं जी। एक बहन कहाँ पे है? इंग्लैंड में। और आप यहाँ पे जी? कितना अर्सा हो गया आपकी शादी को? साल होने वाला है अभी 21 अप्रैल। आपकी मदर ने आपकी शादी खुद की? जी, अपनी खुशी अपनी मर्जी से की। पूरी तरह आपको अकोमोडेट किया जैसे शादी पे किसी भी बेटी के चाव पूरे किए जाते हैं? हाँ जी। आपको सब कुछ दिया? दे के ले लिया। उन्होंने मुझे गाड़ी दी, उसके बाद जब लड़ाई हुई और मैंने उनको कहा कि उन्होंने कहा कि आप घर नहीं आ सकती, मैंने कहा नहीं, आपको डाइवोर्स हुई थी, मैं आपको इस घर में लेके आई हूँ, आप शादी के बाद कैसे कह सकती हैं कि मैं इस घर में ना आऊँ। तो उन्होंने कहा वो जो मैंने गाड़ी दी थी वो वापस करो। आप यहाँ पर मुलाजिम हैं जी फौजिया बीबी के, उस दिन क्या हुआ था? उस दिन कुछ नहीं, मतलब कि ये बाजी ऊपर नीचे थी, ये इनका ऊपर स्टे था ही ना बाजी का, तो ऊपर से वो लाइटें कर रहे थे, कभी दरवाजा खोलते नीचे आते थे, कभी ऊपर चले जाते थे, गालियां निकाल रहे थे। फिर क्यों ऐसा क्यों कर रहे थे वो? उनका ऊपर वो माँ बेटी का मसला पड़ रहा, वो कह रही, बेटी कह रही कि मुझे हिस्सा दो सारा। हाँ। मुझे गाड़ी गिफ्ट की थी इन्होंने, अगले साल मुझे गाड़ी गिफ्ट की, मेरे फादर प्रॉमिस करके गए थे। हाँ, 2006 की बात है, मेरे फादर की डेथ के एक साल बाद। तो इन्होंने मुझे गाड़ी गिफ्ट की, तो लेकिन ये सब कुछ अपने नाम पे रख रही थी, सक्सेशन सर्टिफिकेट सब। तो ये कहती थी कि तुम लोग छोटे हो और तुम लड़कियां हो, मैं सब कुछ अपने नाम पे रखूं। फादर की डेथ 2005 में हो रही है, गाड़ी गिफ्ट 2006 में हो रही हुई थी। और मैं उससे पहले, मेरे फादर ने 2 वीक्स मर्डर होने से पहले भी मुझे गाड़ी गिफ्ट की थी, क्योंकि मुझे ड्राइविंग सिखा। तो उसके बाद इन्होंने सब कुछ अपने नाम पे रखा। मुझे इस बात का बिल्कुल नहीं था कि आप अपनी माँ पे सबसे ज़्यादा यकीन करते हैं, अगर आपका आप अपने बाप पे भी इतना कोई यकीन नहीं करता, क्योंकि लड़कियाँ जो हैं वो हमेशा अपनी माँ पे यकीन रखती हैं। लेकिन मेरे फादर मेरे सबसे ज़्यादा क्लोज थे, मैं उनकी लाडली थी। फिर जब उनकी डेथ हुई तो मैं अपनी मदर के क्लोज हो गई, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं उनके क्लोज़ हो गई, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे फादर चले गए थे तो मेरी मदर ही थी। 2011 में जब इन्होंने मेरी बहन अनूपा को इंग्लैंड पढ़ने के लिए भेजा, तो उसने कहा कि यू हैव टू पे माई फीस, क्योंकि आई डोंट नो, मैंने जाना है और मुझे नहीं पता। तो इन्होंने मेरी वो दोनों गाड़ियाँ सेल कर दी कि है ना, मैं तुम्हें ब्रांड न्यू ले दूँगी, डोंट वरी। उसके बाद वो गाड़ी कभी नहीं आई। मैंने इनसे फिर लड़ाई की, मैंने पूछा कि आपको मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, आपने अपने नाम पर रख के सेल कर दी। ये चीज़ें बढ़ती गईं। फिर उसके बाद 2017 में हमारी कोई बहस हुई इस तरह की ना, कि तुम मतलब कि सर्वेंट्स के या छोटे छोटे मसलों पे,
तो ये कम ना जिस तरह होता है रिएक्ट करने लगेंगे, कहती तुम्हें तुम्हारी प्रॉपर्टी भी नहीं मिलेगी, तुम्हें तुम्हारी माँ भी नहीं मिलेगी। ये चीज़ मुझे बहुत डिस्टर्ब किया करती थी कि मेरी मदर कभी कभी लड़ाई होती है तो मुझे प्रेशराइज करती हैं छोटी छोटी बातों पे, तो मुझसे पूछ के क्यों नहीं गई, तुमने यहाँ ये खर्चा क्यों किया, ये क्यों किया, वो क्यों किया। ये बात मेरे दिल में रह गई थी, इसलिए मैंने जो है ना पावर ऑफ अटर्नी पेपर्स जो है ना साइन नहीं किया। मुझे ये था कि प्रॉपर्टी। आपकी मदर ने कभी कहा पावर ऑफ अटर्नी साइन करने के लिए? जी। अच्छा, आपने नहीं किया? नहीं। अच्छा, फिर मेरी बहन ने की थी। उसके बाद जब इन्होंने फिर मेरा रिश्ता तय किया अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से, इन्होंने जब मेरी शादी की है ना, उसके बाद से जब मैंने इनकार किया पेपर साइन करने से, और जब ये रजिस्ट्री सामने आई और वो नाम सामने आया, हमारा मेजर लड़ाई तब शुरू हुई और ये मेरे ख़िलाफ़ हुई।